हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। हिंदू मंदिरों में प्रवेश तथा सार्वजनिक सड़कों पर हरिजनों के चलने को लेकर त्रावणकोर के गांव में चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था? वाय कोम आंदोलन। अगला है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, 1854 के बोर्ड के घोषणा पत्र में किसकी विकास पर जोर दिया गया था? माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पद को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य विचारक बनाया? न्यू इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर क्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया? ये थी अमृत बाजार पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठी चार्ज से लगी चोटों के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिए, लाला लाजपत राय। अगला है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम में हुआ? 1909 के अधिनियम में। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम से लागू किया गया? 1935 के अधिनियम से। अगला है, साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया? मंजर सेना। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? हंटर समिति ने। अगला है, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? बटलर समिति की रिपोर्ट में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्सटन हॉल में डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो याद रखिए, ऊधम सिंह थे। अगला है, कौन तीन भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए? चापरकर बंधु, दामोदर, बालकृष्ण, वासुदेव चापेकर। अगला है, अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसने सत्येंद्रनाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? नरेंद्र गोसाई। अगला है, सी एफ एंडी किस उपनाम से जाने जाते हैं जाते थे? दीन बंधु। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता। अगला है, 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास तथा पंडित मोतीलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1906 में ढाका में। अगला है, वेदों के पुनरुद्धान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादाभाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। अगला क्वेश्चन है, अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन है, गुरु वायूर सत्याग्रह के किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के कलप्पन ने।
अगला है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 में। अगला है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला है, गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के विरोध में किए गए प्रदर्शन में। अगला है, 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो अली मुसलियार। अगला है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई? 1924 में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायस राय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे शंकरन। अगला, किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर ए हिंद, यह पुरस्कार गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सहयोग सरकार के सहयोग के बदले मिला था, पुरस्कार को लौटा दिया था, केसर ए हिंद को लौटा दिया था, तो असहयोग आंदोलन के पहले। अगला है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। अगला है, इंडियन मिरर किसकी कृति है? केशव चंद्र सेन की। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन दो क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो इसमें शामिल थे बट्टू केशव दत्त और भगत सिंह। अगला है, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को चट्टगांव सत्यागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? 12 जनवरी 1934 को। अगला है, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखिए, पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, यह किस भारतीय ने कहा था? तो याद रखिए, लाला लाजपत राय ने। अगला है, दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग की थी? तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला है, साम्यवादी अतिवादी नेता M.N. रॉय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की थी? तो याद रखिए, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला, मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन सा था? बिरसा मुंडा। अगला है, अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की? शिंदे ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नजरबंद करके कहाँ रखा गया था? आगा खां महल पूना में। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। अगला क्वेश्चन है, सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस को समाजवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी का। अगला है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? तो याद रखिए, जब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में इस्तीफा दिया था। अगला है, क्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग में से किसने अस्वीकार किया था? तो याद रखिए, दोनों ने। अगला है, 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? कानपुर में। अगला है, अवध को अंग्रेज राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। अगला क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? बोगरा एवं मेमन सिंह। अगला है, 1840 में के लगभग किसने कूका आंदोलन प्रारंभ किया था? तो गुरु राम सिंह ने। अगला है, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जॉन्स ने।
अगला क्वेश्चन है, मेरठ षड्यंत्र केस मुख्यतः किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं की। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 की भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरेली ने। अगला है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर बीराव अंबेडकर ने, भीमराव अंबेडकर साहब ने। अगला है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है, प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1936 में। अगला है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था? अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंधित।